ओम शांति। 8 जनवरी 2018 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं, उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाप के पास एक हैं लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। संशय आ जाता है, सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं, एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो, उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि ना चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। हरेक को अपने से बात करनी है। बरोबर, हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है, वह नरक का ही पाया है। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक ही पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं,
परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का ही पता नहीं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उसने ही हमको 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ना सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड हैं, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव यह याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान नहीं कह सकते, परंतु नाम लगा दिया है, राजाई तो है नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नट शैल में समझाते हैं, द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े, फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे, जमींदार भी राजा रानी का लकब टाइटल ले लेते थे, इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो, फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं,
उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है, ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे व नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अब बाप समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही है, गीता में भी यह बात है। पूछते हैं, इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा? यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है, यह बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है, इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसी मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं, जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे लोक पर लोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक, सो तो इस संगम युग की बात है, यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो, बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं, बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा, बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए, ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी, इसमें चटकने की बात नहीं। यह सबको बिठा नहीं देंगे, यह ऐसी चीज है बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें, परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है,
परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है, निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है, तो एक सेकंड भी मिलने बिगर रह न सके। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़फती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है, यह चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है, सतयुग का नाम बहुत बाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाएं भी अब पतित हो गए हैं, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, यह नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है, तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान, मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने लिए यह शिक्षा दे रहा हूँ।
वह है भक्ति मार्ग, यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई तो सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती देते हैं, उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजें, तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो, बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो, हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते हैं, तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो यह भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो? ऐसे जो आबरू इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं, वह क्या पद पाएंगे? वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, कोई भी डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए, यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है, वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन, करावन हार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। ओम शांति।